जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हो। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण नकड़ियागंज प्रखंड में, और जैसे कि तमाम प्रत्याशी अभी डॉक्टर अब्दुल रहमान जो कि अभी पंचायत समिति उम्मीदवार डीके शिकारपुर हैं, अभी उन्होंने अपना नॉमिनेशन कंप्लीट कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप सब? सर, आप तो डॉक्टर हैं, स्पेशली आप तो खिदमत लोगों का कर ही रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आकर कितना आप क्या खिदमत करना चाहते हैं? हाँ, असल में हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में सब लोग यही कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, लेकिन अगर हम सब लोग जितने शिक्षित व्यक्ति हैं या होशियार लोग हैं, अगर यही कहकर पॉलिटिक्स से दूर होते चले जाएंगे और पॉलिटिक्स और भ्रष्ट होता चला जा रहा है, तो उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और ये जो खाई बनती जा रही है कि जो पढ़े लिखे लोग एजुकेटेड लोग नहीं आ रहे हैं, उसको पूर करने के लिए एक प्रयास है कि हम इसमें आए, नौजवान लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो भी आए और अपना हक हकूक के लिए लड़ा जाए और अच्छा से अच्छा व्यवस्था किया जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप डॉक्टर, आप लोगों की खिदमत सर्विस करते हैं, लेकिन एक तरह से आप पॉलिटिक्स में आए, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप अपने हलके में क्या और कुछ करना चाहते हैं? देखिए, हम नरकटियागंज प्रखंड के 15 नंबर क्षेत्र से आए हैं समिति के लिए। हम देख रहे हैं कि 10 साल से पूरे क्षेत्र में समिति के माध्यम से एक ईंट भी नहीं रखा गया। अब उसकी वजह हम ढूंढते हैं तो वजह पाते हैं, या तो कैंडिडेट जो हैं वो जीतने के बाद प्रमुख से बिक जाते हैं लोग, या ऐसा उनके अंदर सलाहियत नहीं होती कि प्रमुख से लड़ झगड़ कर या जिले में अपनी बात रखकर या पंचायत में मुखिया से बात रखकर जो पंचायत के विकास का काम है उसको करें या अपनी हिस्सेदारी को ले सकें। इन्हीं सबों को देखते हुए हमको लगा कि भाई, हम जब तक पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं आएंगे ये सुधार नहीं होगा। सुधार लाने के गर्व से हम लोग पंचायत समिति में आए हुए हैं और इस काम को बखूबी करेंगे, जनता का सहयोग मिलेगा। यानी कि आप कहते हैं पढ़े लिखे लोग और यंग टैलेंटेड लोग आएँ तो पंचायत का, देश का विकास हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आना ही चाहिए। नवयुवक दल को, नवयुवक जितने भी नौजवान हैं, उनको मुझे कहना है कि आप आओगे, देश का भविष्य हो, मुल्क की भविष्य हो, हम सब मिलकर पढ़े लिखे। एक देखिए, एजुकेशन एक रोशनी है, नूर है। जब तक एजुकेटेड बंदा नहीं रहेगा उसको पता नहीं है कि हमारा क्या अधिकार है। समिति कोई ऐसा फंड नहीं है कि बहुत सारा फंड आ रहा है उसमें लिमिट फंड है, उसको भी हम जानेंगे, कौन जानेगा? जिसके पास एजुकेशन होगा या जो होशियार होगा तो जब जानेगा तभी अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, और अधिकार के लिए लड़ेगा तो स्वाभाविक है उसके क्षेत्र का विकास होगा। कहना चाहते हैं आखिर में, अपील अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, स्पेशली आपके हलके से? मैंने जनता से अपील किया कि आप 10 साल से ठगे जा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि ठगे नहीं बल्कि जो व्यक्ति भी होशियार हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, 8 प्रत्याशी हैं, उनमें से देख कर आप चुनिए और अपने पंचायत के विकास का काम लीजिए उससे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर साहब जो कि अभी नकड़ियागंज ब्लॉक में अपना नॉमिनेशन डीके शिकारपुर पंचायत से पंचायत समिति का उन्होंने अपना नॉमिनेशन कंप्लीट किया, और जिस तरह से इनका विज़न क्लियर है और पेशे से प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। बहरहाल, आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। में हम तस्लीम, बिहार के चंपारण नकड़ियागंज ब्लॉक से।